हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, लेकिन हमारे परमात्मा सब कुछ जानते हैं कि कब हमें क्या देना है और कब हमसे क्या लेना है। ध्यान रखिएगा, उनकी कृपा जिस दिन हो जाती है वही वो दिन हो जाता है जो हमारे भाग्योन्नति के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ वो समय होता है। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहना, उनकी जब कृपा होती है तो कुछ भी असंभव नहीं रह पाता। आज इसी बात को समझते हुए, देव गुरु बृहस्पति और शनि देवता को समझते हुए, इनकी वक्री स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं, इनके वक्री स्थिति का क्या प्रभाव होगा, साथ में ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सी घटनाएं हैं जो इस समय पर ज़्यादा जागृति अवस्था में आपके जीवन पर आपको परिणित होते हुए आपको नजर आ रही है। इस वीडियो को हमने तीन बिंदुओं में बांटा है। पहला, हम समझ पाएंगे शनि का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि शनि देवता भी वक्री चल रहे हैं। दूसरा, गुरु देवता के द्वारा जो इनकी वक्री स्थिति, जो कि आप के स्वयं के मीन लगन के अनुसार आपके लग्नाधिपति बनते हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो वक्री स्थिति में क्या प्रतिफल दे रहे हैं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, हम समझ पाएंगे कि वो कौन सी जागृत घटनाएं हैं जो इस दौरान आपके जीवन पर सबसे ज्यादा मजबूती से आपको प्रदत्त हो रही है। ध्यान दीजिएगा, इसे आप मीन लग्न के अनुसार देखेंगे तो सटीकता ज़्यादा बैठेगी, अन्यथा इसे आप मीन राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले चलते हैं शनेश्वर जी महाराज के पास। शनि देवता को आपने देखा होगा, आपने कई वीडियो में इस बात की प्रामाणिकता को जाना होगा कि शनि देवता 17 जून 2023 को हो गए हैं वक्री। अब इनके वक्री स्थिति पर आना, इसका मतलब जहाँ पर वो विराजमान हैं उससे एक भाव पीछे का प्रतिफल देना। इस हिसाब से आपके तो भाई खर्चे भाव पर, आपके निवेश भाव पर शनि देव बैठे हुए हैं, और पूरे 30 साल बाद इनका गोचर हुआ था। जैसे ही वक्री स्थिति पर आएंगे, शनि देवता जहाँ बैठे हैं उसके एक भाव पीछे का प्रतिफल देंगे, मतलब आपके लाभ भाव पर इनका प्रभाव आ गया। ये एक अच्छा प्रभाव मानेंगे कि इनकम भाव पर ये आए हैं, और सदैव के लिए मीन लगन के अनुसार सदैव के लिए आपके इनकम के जो मालिक बनते हैं, आपके लाभ के जो मालिक बनते हैं, यही बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव वक्र स्थिति में आकर के मानो आपके लाभ को इन्होंने जागृत कर दिया। एक प्रकार से लाभ का एक वातावरण हो सकता है। एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का है। आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा आप इस समय पर काम कर रहे हैं, 17 जून से लेकर के अभी तक जो समय चल रहा है, इसके अनुसार कैसे मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो, कैसे मेरे जो डिज़ायर हैं, जो मेरी कामनाएं हैं, मेरा, मेरे परिवार का, या मेरे जो सदस्य जो मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे कार्य क्षेत्र में भी, मैं कैसे उनका भला पाऊं, ये सबसे ज़्यादा आप अपने जीवन पर अभी सोच पा रहे हैं। कैसे मैं अपने लाभ को भी बढ़ा पाऊं। देखिए, कर्म तो हमने बहुत किया, लेकिन कर्मों के अनुसार हमें लाभ की प्राप्ति हो जाए तब इसे सोने पे सुहागा कहा जाता है। और शायद शनि देवता वक्री स्थिति में आकर के आपके जीवन पर एक लाभ का वातावरण प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। देखिए, वो शनि देवता कर्म के कारक हैं, इसलिए आपको लाभ प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति है तो आपको कर्म कराएंगे। एकादश भाव पर इनका वक्री स्थिति पर आना, इसका मतलब एक अच्छा पॉजिटिव वातावरण रहेगा। हालांकि ये डिपेंड करेगा आपके बर्थ चार्ट में भी इनकी क्या स्थिति रहेगी, ज़्यादा डिफाइन होकर के ज़्यादा क्लियरिटी आपको वहाँ पर मिल पाएगी कि इसकी स्थिति क्या रहेगी। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है देव गुरु बृहस्पति। भाई, देव गुरु बृहस्पति तो स्वयं आपके लग्नाधिपति हो गए, और इनका प्रभाव ऑलरेडी आपने देखा है धन भाव पर, ये चल भी रहे हैं गोचरवश, तो धन भाव पर इनका आना, एक साल तक ये रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। परंतु अभी अभी 4 सितंबर को ये हो गए हैं वक्री। वक्री स्थिति पर किसी ग्रह का आना मतलब कि उनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाना, आपके धन की प्राप्ति के लिए आप ज़्यादा कार्य करेंगे। अब परंतु यहीं पर गुरु देवता जब वक्री हो जाएंगे तो उनका प्रभाव एक घर पीछे भी चला जाएगा। इसका मतलब स्वयं आपके अपने लग्न पर ही इनका प्रभाव आ गया। एक मानक रूप से मान सकते हैं कि देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न पर भी अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि ये वक्री चल रहे हैं। इनका कार्यकाल होगा 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। पूरे के पूरे 31 दिसंबर तक आपके शरीर भाव पर यहाँ पर उपस्थित है। माना जाता है कि यदि हमारे लग्नाधिपति वक्री स्थिति पर आ जाते हैं तो एक पुनरावृत्ति का एक अवसर हमें प्रदान कर पाते हैं कि कैसे मैं अपने जीवन को अच्छा बना पाऊँ। अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपका, चाहे आप जॉब करें, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, या फिर किसी प्रोफेशनल कार्य में हो, उस कार्य में अभी वृद्धि कराने के लिए एक अच्छा संकेत इसे आप मान सकते हैं देवगुरु के बृहस्पति के वक्री होने का। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, वो कौन सी घटनाएं हैं जो इस समय पर ऑलरेडी जागृत हो रहे हैं।
जागृत हमने नहीं किया, अपने आप ग्रहों के माध्यम से वो जागृति अवस्था में आ रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, शनि और गुरु हम दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों का जिस भाव पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा अर्थात दृष्टियाँ होंगी या वहाँ पर वो स्थित होंगे, वो भाव आपके जागृति में आएंगे। तो सबसे पहला तो आपका लगन प्रभावित हो गया भाई, क्यों? क्योंकि गुरु देवता यहाँ पर इस भाव पर वक्री स्थिति में इसका प्रभाव आ गया, और ऊपर से वक्री स्थिति के शनि देवता 1, 2, 3 इनकी दृष्टि भी आ रही है, इस कारण से आपका लगन सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया, मतलब मीन राशि ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गई। अब उपाय क्या, इसका वो निष्कर्ष क्या निकलेगा वो आपको बताएंगे, पहले समझते हैं इनके दूसरे प्रभाव को। एक तरफ यहाँ से वक्री स्थिति पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर ही पड़ रही है, और दूसरे ओर शनि देवता वक्री स्थिति से आपके सप्तम भाव को यहाँ पर दृष्टिगोचर दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को इन्होंने भी देखा, मतलब दूसरी जो जागृति का भाव आ गया वो आपका पंचम आ गया। इस समय पर हमको एक नंबर और 5 नंबर का फल मिलेगा। कौन कौन से फल मिलेंगे अब उसकी चर्चा करते हैं। लग्न चूंकि मैं स्वयं हूं, अर्थात आपके अपने शरीर को प्रदर्शित करता है हमारा लग्न, किसी कारण से आप देखेंगे अपने शरीर पर आपको ज़्यादा ध्यान इस समय पर हो सकता है, चाहे स्वास्थ्य में पहले से परेशानी चल रही है तो कैसे मैं उसे अच्छा बना पाऊँ, कैसे मैं अपने फिटनेस को अच्छा रख पाऊँ, योग व्यायाम प्राणायाम के द्वारा कैसे मैं अपने आप को अच्छा रख पाऊँ, ये आपका कार्य होगा। लगन चूँकि सबसे महत्वपूर्ण होता है, शनि चूँकि कर्म के कारक माने गए हैं और गुरु स्वयं भाग्य के स्वामी माने गए हैं, इस समय पर कर्म के देवता और भाग्य के देवता दोनों का सपोर्ट आपको मिलने की संभावना काफ़ी हद तक प्रबलता की ओर अग्रसित होते हुए आप देख सकते हैं। लगन ही वो स्थान हो गया, जब ये मजबूत हो जाए तो माना जाता है ये केंद्र है, जब केंद्र आपका मजबूत हो जाए तो फिर बाकी सब तो अपने आप स्थान अच्छे हो जाएंगे। तो केंद्र कौन हो गया, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब हमारे केंद्र में आते हैं, हमारा फेस हमारा केंद्र है इसके कुंडली के हिसाब से। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, किसी कारण से भी आँखों में परेशानी है, गले में परेशानी है या हमारे चेहरे में कोई परेशानी, इन सब पर कोई ना कोई एक अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है, अर्थात सामने वाले के ऊपर आप अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे जिससे आपका कार्य भी निरंतर की ओर आगे बढ़े। ये हो गया देव गुरु बृहस्पति के। अब यही नहीं, साथ में इनका प्रभाव, दोनों का प्रभाव पंचम पे भी मिल रहा है। हमको कॉम्बिनेशन 1 और 5 का मिला था, पंचम भाव सबसे ज्यादा जो जागृति में आ गए हैं, आपके स्वयं की शिक्षा, इस समय पर कोई एक शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी विद्यार्थी हैं तब तो भाई सोने पे सुहागा है, मतलब विद्यार्थी वर्ग के लिए उनके मेहनत के स्वामी का भी दृष्टि है, मतलब मेहनत तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा, साथ में भाग्य का सपोर्ट मिल गया, साथ में गुरु का सपोर्ट मिल गया, मतलब शिक्षा के लिए ये अनुकूल हो गया। यदि आप विद्यार्थी नहीं भी हैं उस कंडीशन में भी कोई ज्ञान के भी वृद्धि देव गुरु बृहस्पति आपको कराना चाहते हैं, एक अच्छा परिणाम आपको यहाँ से निकल करके मिल सकता है। पंचम भाव चूंकि हमारे प्रारब्धों के प्रतिफल का है, जो हमने पूर्व में जो अच्छे कर्म किए थे जिसका हिसाब अभी नहीं मिल पाया, तो उस हिसाब को प्राप्त करने का एक सुअवसर आपको मिल सकता है। आप स्वयं विचार कीजिए ना भाई, कैसे मैं अपने ज्ञान को बढ़ा पाऊँ, कैसे मैं अपने संतान संबंधी चिंताओं को बढ़ा पाऊँ, क्योंकि संतान स्थान भी हमारा पंचम है, उस पर सबसे ज़्यादा आपका फोकस बना हुआ है। यही वो स्थान हो गया जो आपको शेयर मार्केट सट्टा बाजार से जोड़ता है। अब यहाँ पर स्वयं शनि और गुरु का प्रभाव है और ऑलरेडी इस भाव को सबसे ज़्यादा मजबूती प्राप्त हो रही है, यदि वहाँ आपके पैसे लगे हैं तो आप वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कुल मिलाकर के ध्यान देने की यहां पर प्रबलता से सिद्ध होती है। वास्तविक जो पिक्चर क्या होगा इसके लिए आपके बर्थ चार्ट में जो शनि और गुरु का स्थान है उसे भी एक बार देखना मत भूलिएगा, उससे ये क्लियरिटी आ जाएगी कि जो जो बातें हमने अभी कह रहे हैं, हाँ भाई उस पर फिर वो प्रूफ लग गया, एक सील लग गया कि हाँ वो सब घटनाएं होंगी। लेकिन हमें अभी तो आपके पास आपकी जन्म पत्रिका हमारे पास नहीं है, हम तो अभी गोचर के आधार पर आपको प्रदर्शित कर रहे हैं, तो गोचर के आधार पर आपको ये जानना है कि लाभ के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से हमारे मानसिक कार्यों में यहाँ पर प्रगति प्राप्त होगी, कोई एक ऐसा श्रेष्ठ निर्णय हम ले पाएंगे जो हमारे जीवन को बेहतर बना पाए, चाहे वो हमारे लिए हो या हमारे परिवार के लिए हो। परिवार भाव पर देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति पर तो बने हुए हैं। 1 और 5 कॉम्बिनेशन है। पंचम भाव हालांकि ध्यान देना है, 6ठे भाव से 12वां पड़ता है, इसलिए नौकरी इत्यादि में अभी कोई विशेष परिवर्तन की स्थिति को आप ये सोचिए कि अगर बन भी रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नौकरी में परिवर्तन का योग बन सकता है। हाँ, यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं
क्यों? तो छठा भाव हमारे नौकरी का है और इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव पर है, मतलब नौकरी से दूरी। तो यहाँ पर नौकरी जाने की बात नहीं हो रही है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, परिवर्तन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा अपने जॉब पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, कहीं वो बिगड़ न जाए। और हाँ, बल्कि अगर आपने उस पर नियंत्रण रखा तो पदोन्नति का अवसर भी आपको मिल सकता है, क्योंकि कर्म के कारक एकमात्र शनि देवता होते हैं, मेहनत के कारक हमारे शनि देवता होते हैं, आपके मेहनत का प्रतिफल ला करके देंगे। भाग्य तो भाई साक्षात हमारे परमेश्वर हैं, भाग्य का साथ चाहिए आपके जीवन में सदैव। आप स्वयं देवगुरु बृहस्पति के, आपके लग्नेश आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए आप स्वयं विचार कीजिए, साक्षात नारायण आपके लग्नाधिपति के रूप में विराजमान है, आप ये समझिए। देवगुरु बृहस्पति को नारायण का स्वरूप माना जाता है, और इसी कारण से सदैव जब जब आप समस्या से ग्रसित होते हैं, देख लीजिए कोई ना कोई एक ऐसा विकल्प निकल करके सामने आ जाता है जो आपको सहारा दे करके चला जाता है। और माना जाता है जब उनका सहारा मिल जाता है तो बाकी सहारों की आवश्यकता नहीं होती, सभी सहारे तो एक दिन छोड़ करके चले जाते हैं, और उनका सहारा जब मिलता है तो लंबे समय तक हमारे जीवन को वो बना करके रखते हैं, हमारे खुशियों को बना करके रखते हैं। और इसी कारण से एक न एक दिन मीन राशि के जीवन पर एक श्रेष्ठ अवसर जरूर प्राप्त होता है। हो सकता है कुछ विलंब हो जाए, हो सकता है कुछ बाधाएं आ जाए, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में परिवर्तन ना हो या फिर हमारा जीवन श्रेष्ठता की ओर ना बढ़े। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना हर बार की भांति इस बार भी मत भूलिएगा। हाँ, पुनः आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।